हाय दोस्तों, दिस इज विकास वंस अगेन एंड वेलकम टू विकास फिटनेस गाइड। आज मैं कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, आज हम सब मेन हमारी जो बात है वो रहेगी एक्सरसाइज से पहले हमें क्या लेना चाहिए प्री वर्कआउट के अंदर। बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि एक्सरसाइज से पहले प्री वर्कआउट में क्या लेना चाहिए। देखिए, एक्सरसाइज से पहले हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हमें लेनी चाहिए प्री वर्कआउट के अंदर, जो कि आपके ग्लाइकोजन को जाके स्टोर हो जाते हैं और धीरे धीरे एनर्जी आपकी बॉडी में रिलीज करते हैं। इससे आपका क्या होता है, आपका वर्कआउट बहुत अच्छा होता है और आप सस्टेन एनर्जी रिलीज करते रहते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट सेशन, और आपका वर्कआउट के ड्यूरिंग आपको एनर्जी बनी रहती है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? वैसे देखिए, बनाना एक बहुत अच्छा फ्रूट है जो कि आपको कार्ब्स देता है। अगर आप एक बनाना खाते हैं तो आपको एटलीस्ट 25 से 30 ग्राम कार्ब्स आपको मिलता है, और एक मुश्किल से 1 ग्राम से प्रोटीन भी मिल जाता है, और फाइबर भी इसमें बहुत अच्छा होता है बनाना के अंदर। अगर आई थिंक अगर एक बनाना आप खाते हैं तो आपको अराउंड 2.4 ग्राम फाइबर आपको मिलता है। तो देखिए, बेस्ट जो सोर्स है, अगर आप एक्सरसाइज से पहले आप करने जा रहे हैं तो आपकी बॉडी एनाबॉलिज्म में रहे, आपके मसल कम से कम ब्रेक डाउन हो ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो सबसे अच्छा प्री वर्कआउट है या तो आप बनाना आप ले सकते हैं साथ में, या सबसे बढ़िया तो ये रहेगा कि आप एक्सरसाइज से 45 मिनट्स बिफोर आप ओट्स आप ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा। या ओट्स के साथ जैसे आप अश्वगंधा का 1 टीस्पून ले सकते हैं, जो कि अश्वगंधा एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है और ये आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि ये बॉडी में और मसल्स के अंदर आपकी मसल्स के अंदर ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करता है। और ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होने से क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होने से क्या होगा, आपकी बॉडी में मसल्स ऑक्सीजन लेवल जब इंक्रीज हो जाएगा आपकी बॉडी में, तो आपके मसल्स में ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी, आपके टिश्यू कम कम ब्रेक डाउन होगा, आपका टिश्यू का ज्यादा होगा और मसल्स आपकी ज्यादा पंप हो जाएगी और एनर्जी लेवल आपका हाई हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक्सरसाइज से पहले बनाना और अश्वगंधा का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, या ओट्स आप ले सकते हैं एक स्मॉल सा बाउल, या स्प्राउटेड बीन्स भी आप ले सकते हैं, क्योंकि स्प्राउटेड बहुत अच्छा वेट लॉस का प्रिकर्सर है और वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है, तो इसमें भी आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप कुछ प्री वर्कआउट मैंने आपको बताए हैं, और कुछ लोग वैसे प्री वर्कआउट के अंदर एनओ भी यूज करते हैं, नाइट्रोक्साइन, वो भी ऑक्सीजन बढ़ाने का ही काम करता है, बट एनओ लंबे समय तक ना ले क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे बेस्ट तरीका ये कि आप 45 मिनट पहले एक्सरसाइज से कुछ ना कुछ आप खा लीजिए, खासकर की कॉम्प्रेस कार्ब्स आप खा सकते हैं जो कि एक्सरसाइज से पहले बहुत अच्छा रहता है, या फिर ऑरेंज फ्रूट या फ्रक्टोज भी आप थोड़ी बहुत ले सकते हैं अगर चाहो तो, ऐसा कुछ नहीं है, फ्रक्टोज भी बहुत अच्छी रहती है एक्सरसाइज से पहले आप आकर लेना चाहें तो। थैंक यू सो मच, दिस इज विकास एंड हैव अ नाइस डे, और हमें सब्सक्राइब ना जरूर जरूर करें और ना भूलें।